हमारी ज़रूरत है कि हम नागरिक होने के नाते आके अपना मतदान दें और हाथ रहे हमारा कि कौन हमें लीड करता है, वो बहुत ज़रूरी है इस इलेक्शन में। जो आपको लीड कर रहे हैं, जिनकी वजह से हमारा देश और अच्छा होने वाला है, वो अच्छे लोग हों। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ज़िंदगी में वही है कि लोगों के पास एजेंडा ना हो। एजेंडा जब भी आता है तो चीज़ें ख़राब ही होती हैं। जो अच्छे आदमी होते हैं वो एजेंडा की वेट नहीं करते, अपना काम करते हैं। तो हम यही उम्मीद रखते हैं कि जिनके लिए हम वोट कर रहे हैं वो अच्छे लोग हों और लीड करें आगे एक सोसाइटी, एक अच्छा देश बनाने के लिए। मेरा तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैं हमेशा ये देखता हूँ कि हमारे देश में जिस हिसाब से सेम जो हम लोग बाहर जाके जिस हिसाब से बिहेव करते हैं, हमारे देश के ही लोग, उसका एनफोर्समेंट नहीं हो पाता है। सबसे बड़ी चीज़ हमारे देश में ऐसे नहीं है कि लॉज बने नहीं हैं, पर यह है कि उसका एनफोर्समेंट नहीं होता, कोई भी हो। तो वो ज़रूरत है कि जो भी पावर में आए उसका एनफोर्समेंट तो करे, क्योंकि अगर वो होने लगेगा तो सबसे बड़ी बात है कि आदमी को अपने अंदर देखने की ज़रूरत है। और अगर वो नहीं कर पा रहे हम, तो किसी को ऊपर से तो डंडा देना ही पड़ेगा। तो अगर वही नहीं कर पा रहे जो इनको हमने चुना है, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं हूँ किंग्स इलेवन का प्लेयर मुरली कार्तिक, और मैं यही चाहूँगा कि 30 अप्रैल को पंजाब में इलेक्शन डे है और आप सब आके भारी भरकम मात्रा में वोट करें।